नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोशल अपडेट वर्ल्ड में स्वागत है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कहते हैं कि इतिहास खुद को कभी ना कभी दोहराता है। साल 1955 में जो भारत के साथ हुआ, वही चीज भारत के साथ 1960 में रिपीट हो रही थी। भारत को भिलाई स्टील प्लांट प्रोजेक्ट बनाने को लेकर जो मुश्किलें आई, वैसे ही कुछ मुश्किलें फिर एक बार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जहाज को लेकर आने वाली थी। जी हाँ, 1960 के दशक में जहाँ भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों को एक अव्वल दर्जे का तकनीकी तौर पर आधुनिक और युद्ध में सक्षम ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने वाली थी, और पिछली बार की तरह इस बार भी भारत सरकार ने भारतीय सेना और वायुसेना की फाइटर जेट्स की मांग को पूरा करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन को मदद के लिए गुहार लगाई। 1960 में वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सिर्फ कुछ गिने चुने देश ही थे जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और सोवियत यूनियन जैसे देश शामिल थे। तो भारत सरकार ने फिर एक बार अमेरिका और ब्रिटेन से फाइटर एयरक्राफ्ट की मांग की, जिसमें से ब्रिटेन ने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए साफ मना कर दिया। मगर अमेरिका ने भारत को फाइटर एयरक्राफ्ट देने के बजाय कुछ और ऑफर करना बेहतर समझा, जो काफी शॉकिंग था। अमेरिका ने भारत को फाइटर जेट्स के बजाय 1940 से 1945 के बीच हुए दूसरे विश्व युद्ध में जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स अमेरिका ने इस्तेमाल किए थे, ऐसे कबाड़ हुए फाइटर एयरक्राफ्ट्स को भारत को देने की पेशकश की। ज्यादातर हिस्ट्री एक्सपर्ट ये बताते हैं कि वो फाइटर एयरक्राफ्ट अच्छी कंडीशन में नहीं थे और उन्हें अमेरिकन एयरफोर्स द्वारा डिसमेंटल किया जाना था। यूं मान लो कि वो एक तरह से कबाड़ हो गए थे और इसलिए अमेरिकन एयरफोर्स उसे डिसमेंटल करके उन्हें फेंकने वाली थी। मगर अमेरिका को शायद ऐसा लगा कि इसे फेंकने के बजाय इंडिया जैसी कंट्री को दे देते हैं, और इसलिए ऐसे खराब फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर देकर जो उन्होंने भारत का अपमान किया, वो शायद ही कोई भारतीय कभी भूल सकता है। अगर वो ब्रिटेन की तरह मना कर देते तो हमें इतना बुरा नहीं लगता, मगर ऐसा ऑफर देकर हमारा अपमान नहीं करना चाहिए था। फाइटर एयरक्राफ्ट की भारतीय सेना को जरूरत थी और हम खुद किसी भी प्रकार का एयरक्राफ्ट बनाने में सक्षम नहीं थे। आप सोच के देखो, 1947 में हम आजाद हुए, हम अपने देश की गरीबी और इकोनॉमी को सुधारने में लगे हुए थे, ऊपर से हमें पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मिला जो आए दिन हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा था। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि हमारा मेन फोकस अपनी कंट्री को डेवलप करने में था, तो इसलिए हमारा दूर दूर तक वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग से कोई भी नाता नहीं था। ना ही हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतने सक्षम थे और ना ही हमारे पास ऐसे साधन थे जिनसे हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को अपने देश में बढ़ावा दे सकते थे। तो इसलिए भारत सरकार अपनी सेना के लिए बाहरी देश से फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद रही थी। तो ब्रिटेन ने फाइटर एयरक्राफ्ट देने से मना करने के बाद और अमेरिका से अपमानित होने के बाद भारत सरकार ने सोवियत यूनियन से मदद मांगी, और फिर एक बार जैसी उन्होंने भारत के भिलाई स्टील प्लांट को लेकर मदद की थी, वैसे ही सोवियत यूनियन ने हमारी फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर मदद करने की तैयारी दिखाई। उन्होंने भारत को ऐसा वैसा कोई भी एयरक्राफ्ट ऑफर नहीं किया, बल्कि उनका स्टेट ऑफ द आर्ट MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट हमें दिया, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक था, और इसे खुद सोवियत यूनियन की सेना भी इस्तेमाल कर रही थी। सोवियत यूनियन अगर चाहता तो वो हमें उनका कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट दे सकता था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उनका बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-21 ही हमें देने का इरादा दिखाया, जो वो खुद अपनी सेना के लिए यूज कर रहे थे। तो ऐसे में आखिरकार 1962 में हमने सोवियत यूनियन के साथ MiG-21 को लेकर एक डील साइन की, जिसे इंडो सोवियत मिग डील भी कहा जाता है, जहां भारत सोवियत यूनियन से 874 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहा था। इस डील की खास बात ये थी कि सोवियत यूनियन उस टाइम पर अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने पर भी मान गया था, और साथ ही में MiG-21 की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट भारत में करने के लिए तैयार भी हो गया, और इस तरह से भारत में सोवियत मेड फाइटर एयरक्राफ्ट की एंट्री हुई। भारत के लिए ये डील उस समय की जरूरत थी। देश उस समय अपनी सेना को आधुनिक बनाने के साथ ही चीन और पाकिस्तान से सटी अपनी सीमाओं को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहा था। ऐसे में उसे अत्याधुनिक हथियारों और जंगी जहाजों की जरूरत थी। चाइना ने भी सोवियत यूनियन को इस फाइटर प्लेन की मांग की थी, मगर उस वक्त सोवियत संघ और चाइना के संबंध इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए सोवियत यूनियन ने चाइना को ये फाइटर एयरक्राफ्ट देने से इनकार किया था। भारत ने 20 अक्टूबर 1962 में चीन के हमले से कुछ समय पहले ही MiG-21 फाइटर प्लेन से जुड़े समझौते पर साइन किए थे। साल 1964 में आखिरकार भारत को MiG-21 फाइटर प्लेन की डिलीवरी मिली। हालांकि एयरफोर्स के पायलटों की ट्रेनिंग के लिए एक साल का इंतजार करना पड़ा। इस वजह से जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ, तो उस समय मिग फाइटर प्लेन युद्ध क्षेत्र में तैनाती के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि बाद में मिग फाइटर प्लेन इंडियन एयरफोर्स की ताकत बने। मिग फाइटर प्लेन ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई। 1999 के कारगिल युद्ध में भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर को सफल बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। ये भारतीय एयरफोर्स में शामिल होने वाला पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट प्लेन था। अगर बात करें करंट स्टेटस की, तो MiG-21 लंबे समय तक भारतीय वायुसेना के मुख्य लड़ाकू विमान रहे हैं। हालांकि इनका सुरक्षा रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। पिछले 60 साल में 400 मिग विमान क्रैश हुए हैं। मिग फाइटर प्लेन के हादसों में 200 पायलटों और 60 आम लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे कारणों की वजह से इन विमानों को भारतीय सेना से निकाला जा रहा है।
भारत सरकार ने 2025 तक इन्हें भारतीय सेना के बेड़े से हटाने का फैसला किया है। तो दोस्तों, ये थी मिग विमानों की भारत आने की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लेकर अगर आपके कुछ विचार हैं, तो आप इसे मेरे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।